मैं 25 साल से मुस्लिम लीग का हूँ, मैं भी इसलिए खराब हो गया कि महंगाई इतनी कर दी। ओ बलावल तेनू गैरत नहीं आई है गल करने लगे 16 महीनों के मुल्क पाकिस्तान का की हाल कर गए। बहुत सख्त गुनाह है इन्हें वोट पाना किसी ने भी। अल्लाह करके इलेक्शन हो जनादे रह गए जो गरीबों को उठने हैं बस। मैं कहना मियां साहब ही आ जाए, इमरान खान इस बार फिर वजीर आजम बनेगा और वो तरक्की करके दिखाएगा पाकिस्तान की। नवाज शरीफ आ जाए जो मर्जी ऐसा वोट नहीं देना। पीटीआई ने बड़ा गंद डाल। अच्छा 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 ठीक है सर। हाँ आप भी रोटी को चौची कहते होंगे, मैं भी कहता हूँ। वह देख मियाँ नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान की तरक्की पे लेके जा सकते। मियाँ साहब आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो उनका नामो निशान खत्म हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर भाटी गेट, आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, और ये वो हल्का है जहाँ से हमजा शहबाज शरीफ 2018 का इलेक्शन जीते थे और बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ी तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो पीएमएलएन के टिकट पर जीते। तो आइए ज़रा यहाँ बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ये बताइए आपको क्या लगता है, आप नवाज शरीफ साहब के वापस आने के इम्कान हैं, बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, वापस आते हैं तो इलेक्शन जीत जाएंगे वो? मेरा ख्याल कहता पाकिस्तान की सब तो वड्डी सीट उन्होंने आई सी जिते हमजा साहब खड़ोते हैं, उस बाद अब्बासी साहब ने उन्होंने कौमी की सीट छी, हमजा साहब ने अपने तो उस बाद लिया के उन्होंने खिलारता बासी साहब न, बासी साहब इतों जिता के तो बासी साहब चलिया गया। पाकिस्तान के जे अगर माफिया ना हो माफिया तो बगैर यह सीट नहीं जितने गया रहेगा। पाकिस्तान की सीटा तो बहुत दूर ने। और बलावल तेनू गैरत नहीं आई है गल कर लगे 16 महीनों के मुल्क पाकिस्तान का की हाल कर गए, इन्होंने ना रल गए बैठ गए अज तू बयान दे रहे नवाज शरीफ और इन्हें किया। मियाँ साहब कहते हैं कि मुल्क के हालात खराब ने, मैनू पता है मैं ठीक करना है कदों, जो वह दुनिया खत्म हो जाएगी मर जाएगी दुनिया, इन्हों का वक्त अपना आने वाला एंड होने वाले इन्हों का आना अल्लाह के हुक्म के नाल, इन्होंने मरने आने इन्होंने जवाब देना अल्लाह को। यह जेडे हूँ आए उन्होंने डालर उत्ते रखे है, जो हूँ आया निगरान सैटअप वो सिर्फ डालर घटा लो डालर घटा लो, बाकी रोज सानू सुत्या रात को नींद नहीं आ रही। मियाँ साहब अगर वापस आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाए? मियो साहब ने कौन से अच्छे काम किए हैं, हम उनकी वजह से दलदल में फंसे हुए हैं। इमरान खान रहे हैं 2-3 साल, जब उसकी सेटिंग होने वाली है ये सब ने उतार दिया। मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने देंगे, फिर थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, नहीं जीते? नहीं जीतेंगे नहीं, ये नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, टफ मुकाबला होगा दोनों का। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ ले आते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? अब नहीं जीत सकते, इसलिए कि ये हुक्मरान ऐसे हो गए हैं कि गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर गया, इनको मरना यार नहीं, कब्र से जब पीसना है ना, जब कब्र में जाना है, ये दौलत कहाँ लेके जानी है हमने, ये तो बाहर भाग जाते हैं। मैं 25 साल से मुस्लिम लीग का हूँ, मैं भी इसलिए ख़राब हो गया कि महंगाई इतनी कर दी कि आदमी ना काम है ना काज है, कुछ खा नहीं सकता पी नहीं सकता, किराया दे या बिजली का बिल दे, बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, अगर 20,000 रहा है 35,000 का बिल आता है, 40,000 का बिल आता है, इनको मरने याद नहीं है। मियाँ साहब अगर आते हैं तो आपके ख्याल में फिर बात ये है कि मियाँ साहब ने तो आना नहीं है, आना ही नहीं, उसके बाद अगर आगे जीत के तो अब जनादे रह गए जो गरीबों को उठने हैं, बस वो जनादे ही उठवाएंगे आगे बस। अच्छा, इस हद तक है ये, तो आपको भी पता है इस चीज़ का जो जो इलेक्शन, तो इलेक्शन हुआ तो जीत जाएंगे ये तो सवाल ही नहीं पैदा, नामुमकिन किसी बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कह रहे हैं मुल्क ठीक कर लूंगा, मुल्क ठीक करना है, इन्होंने ठीक करना तो खराब किसने किया है? मियाँ साहब तो लौटते मास्टर तो है लौटते छेड़ सी, लेकिन जो पोजीशन ने जो जो ऐसा सिलसिला चल रहा पे है, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग होने किसी दौर च आवे। अच्छा, जो पोजीशन ऐसे हो रही महंगाई जो जा रही है, जो मुस्लिम लीग ने किया वे असं खुद वर्क मुस्लिम लीग दें, लेकिन जो पोजीशन जा रही है इस टाइम लाहौर की पोजीशन है कही है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग को आना चाहिए। अच्छा, बहुत मुश्किल है। अब जब से मियाँ साहब के आने की बात चल रही है, मियाँ साहब तशरीफ ले आते हैं तो नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी? नहीं, कभी नहीं जीत सकती। क्यों? इंशाल्लाह इमरान खान इस बार फिर वजीर आजम बनेगा और वो तरक्की करके दिखाएगा पाकिस्तान की। क्या लगता है मियाँ साहब आएंगे तो कुछ इलेक्शन जीत जाएंगे, उनकी पार्टी जीत जाएगी? सर अगर तो वो अच्छा एजेंडा लेकर आए, अगर उनके दिल में ये है कि यार मैंने कुछ, दिल की बात तो नहीं बता सकता कोई भी, वो कहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान ठीक करूंगा, आपके ख्याल में आप वो जीतेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ठीक करेंगे? हाँ, आपको लगता है जीत जाए? अगर एज पर कंपेयर बाकी पार्टी से करें, उनकी पुरानी क्या कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, तो उनके पास चांसेस हैं, चांसेस बल्कि मैं कहता हूँ उनके पास टीम भी अच्छी थी, उनके पास
सोर्सेज भी थे जैसे चाइना से, ये इनके सारे ये एज पर इनको देखा जाए इनके पास मियां बरादरों के पास सोर्सेज, आपको लगता है जीत जाएंगे? हाँ, ये इस मामले जीत जाएंगे बिल्कुल। और मेरी दुआ भी है और अल्लाह से यही है कि परवरदगार इनको चाहे कि इनको इतना ऐसा कर दे कि ये पाकिस्तान में कुछ कर दे। मियां नवाज शरीफ साहब वापस कह रहे हैं कि आ जाएंगे, वापस आएंगे तो आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएंगी पीएमएलएन? गल है ये कि अवाम जड़ी है ना वो नून लीग नहीं चाहती है, नवाज शरीफ नहीं चाहती है, क्योंकि नवाज शरीफ दौर दे पेट्रोल सस्ता, चीनी सस्ती, घ्यो सस्ता, आटा सस्ता, खून तो बहुत उसे चला गया है। गरीब आदमी जोड़ा ना वो मरता पे, अमीर आदमी कोई टेंशन नहीं, गरीब आदमी मरता पे। पेट्रोल जिन्हें पुआना अद्धा लीटर तो जाना कम तो आना वो रह गया। तो गल ये मैं अल्लाह करके इलेक्शन होनी ना, अल्लाह करके इलेक्शन ना हो। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कान रोशन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो वापस आएंगे तो पीएमएलएन इलेक्शन जीत जाएगी? सर कैसा, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्यों सर? सर उन लोगों ने तबाही इस कदर किया, क्या आवाम मंदी है? आवाम को नहीं पता ये पिछले 16 महीने कौन करता रहा हुकूमत? क्या ये लोग अब भूल चुके हैं कि ये पिछले 16 महीने अगर कोई भी कदम उठाने से पहले शहबाज शरीफ साहब कहाँ तशरीफ लेके जाते थे? लंदन, मशवरे लंदन जाते थे ना। लंदन में कौन बैठा हुआ है? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। तो क्या हम लोगों को नहीं इतना इल्म अब के कौन चला रहा था निज़ाम हमारा इनडायरेक्टली? आपको लगता है कि वो आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं हम मुल्क ठीक कर देंगे, तो सर वो फिर ये जो इतना टाइम दिया हमने तब कर दिया उन्होंने, तब क्या मजबूरी थी? पीटीआई ने बड़ा गंद डाल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है सर। हाँ आप भी रोटी को चौची कहते होंगे, मैं भी कहता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे ने, उनकी बनना इलेक्शन ते जीत जान। नवाज शरीफ आ जावे जेड़ा मर्जी है सब वोट नहीं देना। क्यों? साडे कोई नहीं अखलाजात पूरे कर सकते, गरीब आ रोटी सानू खान नहीं लभदी, 150 दा किलो आटे दा है, साडी की गलती है? असा मजदूरियां कर कर करने होंगे, साडा इलाज कोई नहीं कर सकता, अस की करना है इलेक्शन वाले नु। ये आप देख रहे हैं बिजली के बिल जहां तंग कर रहे हैं लोगों को, इसी तरह पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, और उसके साथ साथ फिर ये बात भी कि लोग ये समझ रहे हैं कि जितने भी लोग वोट लेने आते हैं वो अपने लिए मराहत तो नकद लेते हैं लेकिन अवाम के लिए जो आसानियां हैं वो उधार करते हैं। मियां साहब आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो उनका नाम निशान खत्म हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? उन्हां दी ते गल ही ना करो ना, दुनिया आवे जेरा मर्जी आवे, जेरा मर्जी हुक्मरान है दुनिया ते, साडे पाकिस्तान नूं जेरा मर्जी हुक्मरान मिलिया वो चोर करप्ट मिलिया कोई भी होवे। अच्छा, मैं अपनी लाइफ ही जाई तक इन्हां नूं वोट किसे नूं नहीं पाया क्योंकि मैं पता है बहुत सख्त गुनाह है इन्हां नूं वोट पाना किसे नूं भी। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आंदे ने ते तुहाडे ख्याल च उन्हां दी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? सर देखो जी, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे केड़ा भी आवे रब जेड़ा फरिश्ता भेजे चंगा ही भेजे। तुहानू की लग रहा है वैसे मियां साहब की आमद तो बाद? मियां साहब मैं कहना मियां साहब ही आ जाए। अच्छा। हाँ बड़े अच्छे ने, उन्होंने टाइम अच्छा गुजरिया, अच्छा सब कुछ है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं पीएमएलएन जीत जाएगी सर इलेक्शन? मियां साहब आए चाहे मियां साहब के वाले साहब भी आ जाए, मैं नुमाइंदा हूँ मुस्लिम लीग का ही, मगर जैसे ये रिजक हमें मिल रहा है ना, जैसे ये आटा मिल रहा है, घी मिल रहे हैं, परेशानियाँ मिल रही हैं, कभी देखी नहीं थी, ये आने के बाद भी यही हाल रहेगा। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें गर्म हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वो तशरीफ लाते हैं तो पीएमएलएन इलेक्शन जीत जाएगा? इंशाल्लाह जरूर। आपको लगता है जीत जाएगी? क्यों आपको लगता है ऐसा कि जीत जाएगी? क्योंकि पार्टी नवाज शरीफ के नाम से चलती है, वो खुद आएंगे तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा उनकी तरफ कि वो आ गए लौट के तो अब कुछ बेहतरी आएगी। खुद पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमारा तो पैगाम है अगर वो पाकिस्तान आए तो वो खुद कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान चलाए तो इंशाल्लाह जरूर चलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ ले आते हैं इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। शेर एक बार इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। वो फिर ये जो सारे अभी हुकूमत गई है इनकी तरीके साहब वालों की, ये क्या है ये सारे, ये भी तो करप्ट ही ना सारे, तो लिहाजा जो अगर नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह मुल्क जो तरक्की करेगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला जरूर। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह ताला जीतेगी जी। हम मैं रशका ड्राइवर हूँ। अच्छा, मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह जीतेंगे और मियां नवाज शरीफ वो एक लीडर हुआ है पाकिस्तान में,
जो पहले भी दो तहरीक सीरियस से जीता था जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह ताला अब भी जीतेगा। अच्छा। क्योंकि ये चॉइस किसी के पास नहीं है सिवाय नवाज शरीफ के, क्योंकि यहाँ पे सियासी बंदा और कोई पाकिस्तान में नहीं है। वाहिद एक मियां नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान की तरक्की पे लेके जा सकता है और मुल्क को अच्छी सिमत लेके जाएगा। जी ये सूरत हाल आपने देखी, बैरून भाटी गेट से मैं शुरू हुआ था और अब अंदरून भाटी गेट में हूँ। अंदरून शहर का यह हिस्सा है, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं इसकी एक झलक आप तक पहुँच गई। अब चलिए यहाँ से एक और शहर के एक और हिस्से में चलते हैं और वहाँ पर जाके भी यही सवाल लाहौर के लोगों से पूछते हैं।